आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट में फंड्स क्या क्या रूल है? बहुत सारे एप्लीकेंट जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने जा रहे हैं उनको फंड्स को लेके कंफ्यूजन होती है। पहले कंफ्यूजन तो फंड चाहिए क्यों, दूसरी लिक्विड फंड होनी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए, तो क्या वो शो कर सकती है? सबसे पहले प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट का स्पाउस ओपन वर्क परमिट में बहुत बड़ा रोल है। इसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट्स में यही नहीं होता कि आपको फंड शो करें, नहीं, आपकी कितनी इनकम है, सबसे पहले आप क्या काम करते हो उससे आपको कितनी इनकम होती है, उसके बाद आपके पास कितनी सेविंग्स है, इस बात को हमें ध्यान में रख के ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, पहले तो सिर्फ एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन शो करके कभी अपना वीजा अप्लाई ना करो, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो ऑक्यूपेशन है वो नॉन डिमांड ऑक्यूपेशन है। कैनेडा में एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको जॉब कोई बिजनेस करते होने चाहिए। आपकी इनकम मिनिमम 5 से 6 लाख होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम इनकम होगी तो इनकम के अकॉर्डिंग ही आप अपने फंड शो कर सकते हो, तो कम फंड से आपका सक्सेस रेट अच्छा नहीं रहेगा। जितने फंड्स आपको शो करने हैं उतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले जॉब या बिजनेस आपका होना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर पे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते, और उस काम से मिनिमम 5 से 6 लाख आपको इनकम होनी चाहिए, तभी 5 से 6 लाख के आप फंड शो कर सकते हो। दूसरा, फंड कैसे शो करें? आप स्टेटमेंट लगाना चाहते हो, आप एफडी शो करना चाहते हो, आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो, तो फंड सबसे पहले चाहिए क्यों? आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी होम कंट्री से आपके टाइज स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कितने स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी अपनी होम कंट्री के साथ है। जितने स्ट्रॉन्ग टाइज हो गए इसीलिए आप वापस अपनी कंट्री में आओगे, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ की स्टेटमेंट आपके स्पाउस ओपन वर्क परमिट में शो करनी होती है, और उस स्टेटमेंट में आपके ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं भी आपको है तो 3 मंथ आप अपना केस लेट अप्लाई कर सकते हो, बट स्टेटमेंट आपके पास जरूरी है, होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसमें लार्ज डिपॉजिट नहीं होने चाहिए, वीजा ऑफिसर को ना लगे कि आपने ये पैसा मैनिपुलेट किया है, जस्ट एप्लीकेशन के लिए शो करा है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, जो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर इन केस कोई लार्ज डिपॉजिट है तो उसका सोर्स होना चाहिए। अभी बात करते हैं एफडी पे। बहुत सारे एप्लीकेंट जो है अभी हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है, टोटल 100% आप फिक्स डिपॉजिट पे डिपेंड नहीं हो सकते। टोटल फंड्स का 50% आप फिक्स डिपॉजिट में शो कर सकते हो। यदि 6 लाख आपको शो करने तो 3 लाख तक की एफडी आप शो कर सकते हो, अदर 3 लाख आपको लिक्विड फंड शो करने पड़ेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी, और स्टेटमेंट के साथ बैलेंस सर्टिफिकेट भी ला सकते हो, बट स्टेटमेंट मस्ट है। जो भी लार्ज डिपॉजिट हो गए उनका सोर्स आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।